मुझे नहीं पता इस वक्त आप ये वीडियो किस देश से, किस पार्ट से, किस कोने से देख रहे हो, बट जो भी आप अब देखने वाले हो वो सारा का सारा रियल आपके सामने हम आपको दिखाने वाले हैं। कितना ज़्यादा पैरों में दिक्कत हो रही है, बट अब आप सोचो कि ये लोग कैसे इसको करते हैं। कना कंगो खो कैसे कौन? सैन की हंटिंग और ट्रैकिंग स्किल दोनों ही यूनिक है। इनके लिए जानवरों के कदमों को पहचान लेना कोई मुश्किल बात नहीं। यहाँ तक कि इस जंगल में गुजरे हुए हर एक जानवर की उम्र, उसका कद और लिंग तक इन्हें पता होता है। That is a whistle of a hunter. It is. For example, when they goes out in the bush, and one hunter take his way out, we usually make it to just whistle so that the other hunter must know where the other hunter are. Grass. Straw grass. Yes. And then basically you make it for. We also use it to drink water with. Or you can drink water with it from the ground also. From for the soak it. Trees. Yes. Oh. Or either in the container of ostrich egg. Mm-hmm. If we filled water there, we use it to drink water. Okay. But the fresh ones, we use it to blow. Okay. देखने में शायद इनकी हंटिंग स्किल भले ही सिंपल लगे आपको, पर ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, क्योंकि इनके जहरीले बाण और ट्रैप्स जानवरों की समझ से बहुत दूर हैं। Like this tree is called an kia tree. And the bark of this tree, when we cut it off, like you can see, is medicine for the lungs. If the person is coughing, we usually cut it off and boil it, and after the person drinks, then they cannot cough. It stops him from coughing. And if it dries out as well, we use it. We cut it into smaller pieces, then we pound it soft. And the red powder, we use it to mix it with the fat of an animal, rub it with a leather to get it more softer for wearing. वैसे सैन मोस्टली शिकार करते हैं एंटलॉप्स या सिमिलर जानवरों की, बट इनकी भूख इन्हें किसी भी हद तक जाने पे मजबूर कर सकती है। Bo, bo, bo.
जानवरों का शिकार करना डिपेंड करता है उस दिन चल रहे बेढंग से हवाओं पर, जिनका जायजा ये करते हैं अपनी उंगलियों से। वहीं अपने बदन को जानवरों के खालों में लिपटाना जानवरों की आंखों से खुद को छुपाना होता है, आखिर खुद को बचाना भी जो है। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में गुजर रहे ये पल मुझे क्या सीख देकर जाने वाले हैं, पर इतना यकीन है इन लम्हों को मैं कभी भूल नहीं सकता। काफ़ी वाइल्ड हंटिंग हो रही यार। हमने दो बार ट्रैप किया था और दोनों को हमने अभी हंट किया और वो ऑलरेडी वहाँ पे जंगल। ऐसा कुछ अब वाटर बैग है या कुडूज है, थोड़ा सा हमको वो डॉग लगा कि है। आई थिंक एरो लगा हुआ है इनका, मेरा तो नहीं लगा यार, बट पीछे ऐसा कुछ है। सो वो अंदर भाग गया बुश में और हमने आपको बताया कि क्योंकि इनके जो वो होते हैं, क्या कहते हैं यार, बाढ़ बॉस, उसमें जहर जो होता है, हमने जो लगाया हुआ था वो जहर बहुत इफेक्टिव नहीं होता बट थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहता है, तो वो 2 से 4 घंटे तक में असर करेगा। तो अब हमारा असली चैलेंज है कि हमें जाके उसको ट्रेस करना है धीरे धीरे, और काफ़ी पूरा, ये देखो पूरा का पूरा जंगल है, तो हम तीनों लोगों को मिलके जितना ज़्यादा हो सकता है हम उसको ट्रेस करेंगे और होपफुली अपनी ये हंटिंग सक्सेसफुल हो पाए। इनके बाड़ों में प्रयोग किया हुआ जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि असर करने वाला है शिकार किए हुए जानवर के नर्वस सिस्टम पर, जो कि सिर्फ चंद घंटों में अपने आखिरी सांसों को छोड़ जाएगा। I'm going to go.
Yo. सफल शिकार करने वाले व्यक्ति को अधिकार है पूरे मांस को अपने कबीले में बांटने का, जो कि इंतजार कर रहे होते हैं इनके सही सलामत घर आने का। आखिर हमें सफलता मिल ही गई इस भीषण जंगल में, लेकिन शायद इन सबको अपनी आंखों से देखकर मेरा मन निराश भी था। ये जो कुछ भी है इनकी सभ्यता और संस्कृति का एक रिवाज है, जिसे मुझे भी आंख बंद कर देखना और सुनना था। ये था अपना हंटिंग, जो हम वापस अपने इस बेस पॉइंट पे आ गए, और काफ़ी थकाऊ भरा दिन रहा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार। हाँ, कितना हार्ड लाइफ है इन सैंड पीपल की, बुशमैन की, ये तो मुझे खुद एक्सपीरियंस करने पे पता चला। और मोस्टली अभी क्योंकि मॉर्निंग है, बट जब भी ये हंटिंग जाते हैं वापस आते हैं तो शाम को फिर अपनी थकान को दूर करने के लिए, मोस्टली उसमें से कोई बीमार हुआ होता है, थका हुआ होता है, तो उसकी हीलिंग करते हैं। हीलिंग करने के लिए मोस्टली ये यूज़ करते हैं म्यूज़िक। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक और डांस इनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, और कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन के तौर पे ये अपने लिए काम करते हैं। आप पीछे देख रहे हो, हमारे लिए ये पूरी की पूरी टीम तैयार है, काफ़ी ज़्यादा हम थके हुए हैं, तो अब मैं भी अपनी थकान को कहीं ना कहीं दूर करने वाला हूँ अपने इस ब्यूटीफुल सैंड फैमिली के साथ। लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल और मेडिकल हीलिंग ऑफ सैंड पीपल। बचपन में कभी कोई ऐसी कहानियाँ कुछ किताबों और दुकानों में सुना करते थे, पर जिंदगी में वो सब अपनी आँखों के सामने आना मानो अभी भी एक सच सपना सा है। हाँ, ये रियल है, जहाँ थ्रिल भी है। हाँ, कभी आपने देखा है ऐसा वक्त जहाँ एक ही वक्त के दो पैमाने, एक जिंदगी खुद को बचाती है तो वहीं दूसरी खुद को गले लगाती है। हाँ, मैंने देखा है। ये थी अपनी सारी फैमिली, कमाल। तो सो ये अपनी स्वीट सी फैमिली, सैंड फैमिली, बुशमैन फैमिली, और मेरे दिल के करीब, जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार मुझे इस डीप जंगल में, फॉरेस्ट में भी दिखाने की कोशिश की, उसमें से प्यारे से बच्चे और पूरी की पूरी ये फैमिली, थैंक यू सो मच। इन इंडिया वी से नमस्ते। एंड आई विश एंड आई विल प्रे एटलीस्ट फॉर योर हेल्दी लाइफ, फॉर योर ब्यूटीफुल लाइफ, एंड एज मच एज आई कैन हेल्प, एंड आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड
from entire India. Please guys, try to visit as much as you can for this beautiful family, to support them, to help them, to give them a life, to give them a hope, to sustain and not to sustain, to even dream and to achieve it in beautiful way. I think that is what my message from this beautiful place. आज की जर्नी ये पूरी की पूरी मेरी ट्रिप और कहीं ना कहीं ये जर्नी जो थी सैंड पीपल की ऑल द वे फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम नामीबिया कंट्री आपको पसंद जरूर आया होगा. तो गाइस जैसा भी ये वीडियो लगा है प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट में जाके. लाइव स्टेटस के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारे फॉलो कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरीज नए डेस्टिनेशन किसी नई उम्मीद के साथ. तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और यूं ही ट्रैवल करते रहिए पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारे साथ, खासकर इस वक्त नामीबिया. लेट्स रोम इंडिया इन नामीबिया इन अफ्रीका विद अंश मिश्रा. सी यू समवेयर ऑन द अफ्रीकन रोड.